हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हिंदू कुश हिमालयस। ठीक है, हिंदू कुश हिमालयस के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है हमारी जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। इसी में आती है आपकी हिंदू कुश हिमालयन रेंज, जो कि आपको यहाँ पर मैप में पूरा जो ग्रीन हिस्सा जो आप देख रहे हो, डार्क ग्रीन हिस्सा जो है वो आपका क्या है, वो है आपका हिंदू कुश हिमालयन रेंज। ठीक है, यू कैन सी। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी गई है इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, जो आपका बेसिकली इट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे हिंदू कुश हिमालयाज हैं वहाँ पर हमें 65% से तेज़ी से यहाँ पर जो ग्लेशियर मास लॉस है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण इसका है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत पिघल रहे हैं, और यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ी से बताया जा रहा है कि 65% यहाँ पर फास्टर लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अब हिंदू कुश के बारे में जो इनकी प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में भी चीज़ों को करेंगे कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 1.5x एक्सटेंशन बोनांजा, जिसमें 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको 6 महीने फ्री मिल जाएगा एक्सटेंशन, 18 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन मिलते हो, ठीक है, तो 9 महीने का फ्री मिलेगा, 24 महीने का लेते हो तो 12 महीने का मिलेगा। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, देखो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 24 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से आप इसको अवेल कर लीजिए। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र भी है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका एंड हो जाएगा 23 तारीख को। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। मेंस के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन दिस। एंड देन अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया UPSC मार्गदर्शक, यानी कि मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये। ठीक है, उसके प्राइजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड यू कैन एनरोल इन टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी और 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लेनी है। ठीक है, जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। फिर आप लोगों के लिए बैचेस हैं, 1-star बैच है, लक्ष्य बैच है, और ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में। तो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल है विच इज़ लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर, जो कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब ये सर्व करता है दी 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज जो कि हमें हिंदू कुश हिमालयाज में देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जो है, तो इसकी जो प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैं, ये सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ असिस्टिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू अंडरस्टैंड कि किस किस तरीके के चेंजेस हमें माउंटेनियस इकोसिस्टम में देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये एम करता है कि असिस्ट करेगा माउंटेन पीपल को कि वो समझें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड टू अडैप्ट देम। ठीक है, जिस तरीके की यहाँ पर जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बेटर कर सकें। दूसरी चीज़, अगर हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो वो हमें ललितपुर नेपाल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज़ करी गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ग्लेशियर्स जो हमें लॉस देखने को मिल रहा है, तो उसका मास है करीब आपका 0.28 मीटर्स ऑफ वाटर, विच इज़ इक्विवेलेंट पर ईयर बिटवीन 2010 एंड 2019। अगर कंपेयर किया जाए तो 0.17 पर ईयर बिटवीन 2000 एंड 2009। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पर आपका काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली बार अगर हम देखें 2000 से लेकर 2009 तक, इट वॉज़ ओनली 0.17, ठीक है, मीटर्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट पर ईयर। बट अगर हम 2010 और 2019 का हिसाब लगाएं तो जो मास लॉस हमें देखने को मिला है, दैट इज़ 0.28 मीटर्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट पर ईयर। ठीक है, तो यानी कि जो वाटर है, जो आपका ग्लेशियर्स हैं, वो तेज़ी से यहाँ पर पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जो वाटर है, आइस है, सोसाइटी है, इकोसिस्टम है हिंदू कुश हिमालयस का, ठीक है, वो यहाँ पर हमें थोड़ा सा खतरे में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो काराकोरम रेंज है, विच वॉज नोन टू बी स्टेबल, दैट हैज़ ऑल्सो स्टार्टिंग शोइंग अ डिक्लाइन इन ग्लेशियर मास। ठीक है, उसमें भी हमें यहाँ पर ग्लेशियर मास लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें 0.09
मीटर्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट पर ईयर देखने को मिला है ड्यूरिंग 2010 और 2019। तो जो एवरेज टेम्परेचर है इन द रीजन वो इंक्रीज हो गया है बाय 0.28 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड बिटवीन 1951 टू 2020। एंड 9 out of 12 जो आपके रिवर बेसिन्स हैं वो विटनेस कर रहे हैं इंक्रीज वार्मिंग रेट्स एट हायर एलिवेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यांगजी और इंडस बेसिन पे देखने को मिल रहा है। नाउ इन अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो जो आपके हिंदू कुछ ग्लेशियर्स हैं दे कुड लूज अप टू 80% ऑफ द करंट वॉल्यूम बाय 2100। ठीक है, 2100 तक यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 80% तक जो इनका ग्लेशियर है वो यहाँ पर आपका पिघलता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, जो रिपोर्ट की हाईलाइट है वो यहाँ पर यही जारी कर रही है। एंड फर्दर अ क्वार्टर ऑफ स्नो जो है दैट जो स्नो कवर हमें देखने को मिलता है दैट कुड बी लूज अंडर अ हाई एमिशन सिनेरियो। सो जो रिपोर्ट है वो कोट कर रही है स्टडी दैट प्रिडिक्टेड अ डिक्लाइन इन स्नोफॉल बाय 30-50% इन द इंडस बेसिन। 50-60% हमें गंगा रीजन में देखने को मिला है, 50-70 ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बताया गया है कि 2070 से लेकर 2100 तक का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पर जो चेंज है वो देखने को मिल जाएगा अगर हम 1971 से 2000 तक का कंपेयर करके यहाँ पर चलते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी तेज़ी से हिंदू कुश जो आपके माउंटेंस हैं उसको, हिंदू कुश हिमालयाज हैं उनको यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर हर जगह का टेम्परेचर ही इंक्रीज़ होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ भी हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं इसी एरिया में, है ना। अगर आप देखोगे तो इंडिया में तो हमें रिवर्स ही रिवर्स देखने को मिलती हैं, तो रिवर्स भी जो हैं वो इसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही हैं क्योंकि उनका भी जो वार्मिंग रेट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, इसके बाद देखो हिंदू कुश हिमालयस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये स्ट्रेच करती हैं 3500 किलोमीटर में। ठीक है, 3500 किलोमीटर ये आपकी यहाँ पर फैली हुई है, कितनी, 3500। ओके, और 8 countries जो हैं वो यहाँ पर आपकी कवर होती हैं, इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, फिर भूटान है, चाइना है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। हिंदू कुश हिमालय जो है दे आर आर्ग्यूबली वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर टाउन, क्योंकि ये यहाँ पर सोर्स है 10 of Asia's लार्जेस्ट रिवर्स। ठीक है, इवन इट इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस एंड स्नो विच इज़ आउटसाइड ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो टुगेदर ये जो रिवर्स हैं ये सपोर्ट करती हैं ड्रिंकिंग वाटर भी, इरिगेशन के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, इंडस्ट्री, सैनिटेशन नीड्स, और ये इन पानी मतलब इस पर्टिकुलर पूरे इन सारी चीज़ों पर, इन रिवर्स पर करीब 1.3 बिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, विच द वंस जो कि आपके माउंटेन्स में रह रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो लोग हैं सब इस पर डिपेंडेंट हैं, तो ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। ओके, इम्पोर्टेंस बात करें अगर हम हिंदू कुश हिमालयस की तो ग्लेशियर्स ऑक्यूपाई करते हैं जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली है आपका 73,173 square kilometers का। ठीक है, हिंदू कुश हिमालयस में जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस इन द रीजन। ना बायोडाइवर्सिटी जो है रीजन की 40% अगर हम देखें जो कि अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्रायोस्फेयर एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ, सपोर्ट करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करना इकोसिस्टम सर्विसेज। आइस और स्नो की बात करें हम इस पर्टिकुलर रीजन में, दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, 12 नदियाँ यहाँ से आपकी निकल रही हैं जो कि 16 countries को एशिया की सपोर्ट करती हैं। 240 million लोग हैं जो कि हमें इन माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। 1.65 बिलियन डाउनस्ट्रीम जो कि लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं इन नदियों पर। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा हिंदू कुश हिमालयस के बारे में। ठीक है, आप लोग मैप में भी देख सकते हो इस एरिया को और आप लोग सिनेरियो भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर इशू क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्नो कवर है, जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर तेज़ी से पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर जो लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। ओके जी,
चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।